एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है जी। अभी आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने जो सर्वे किया है हमारे देश में, ये तो सब लोग मानते हैं कि जॉब की दुनिया में, जॉब मार्केट में फॉर्मल 10% है, इनफॉर्मल 90% है जी। ये तो माना हुआ है। मैं सिर्फ फॉर्मल के आंकड़े आपको देता हूं, जो हमारे आंकड़े नहीं है, इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने निकाले हुए आंकड़े हैं। ईपीएफ ये परफेक्ट पैरामीटर होता है जिसमें जिसको रोजगार मिलता है उसका नाम होता है, उसका आधार नंबर होता है, उसके खाते में पैसे जमा होते हैं, वो ईपीएफ होता है। एक साल में 18 से 25 साल के नए नौजवानों का ईपीएफ 17 लाख जुड़ा है, 70 लाख 7 मिलियन। क्या ये रोजगार नहीं है क्या? दूसरा, इस देश में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो किया होगा 3.5 साल में, कोई नए वकील बने होंगे, कोई नए डॉक्टर बने होंगे, कोई नए कंसल्टेंट बने होंगे। ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो गए उनके आंकड़े तो कहीं होते ही नहीं जी, उनके कहीं होते नहीं है। तो ये जो प्रोफेशनल क्षेत्र में जो लोग जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तीसरा, आप मुझे बताइए, पहले अगर जितने रोड बनते थे आज अगर एक दिन में उससे डबल रोड बनते हैं तो क्या बिना रोजगारी के बड़े होंगे? क्या किसी ने तो काम किया होगा, उसको रोजगार नहीं मिला होगा? पहले जितनी रेल की पटरी डलती थी आज एक दिन में उससे डबल डलती है तो क्या रोजगार नहीं पैदा करता होगा क्या? पहले जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होता था उससे डबल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, क्या रोजगार नहीं मिलता होगा क्या? पहले जो पोर्ट सेक्टर का कारोबार था वो आज तेजी से बढ़ा है, क्या उसमें रोजगारी के बिना बढ़ा होगा क्या?